हेलो चैनल, वेलकम बैक टू माय गाइस। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप कोई भी फेसबुक आईडी अपनी लॉगिन कर सकते हो बिना ईमेल या पासवर्ड के। मेरे पास एक अकाउंट है रितु रॉय वर्क एट अर्थ के नाम से, जिसमें कि यूनिक कैरेक्टर मुझे मिल रहा है अर्थ, जिससे कि मैं आसानी से आईडी को सर्च कर पाऊँगा। चलिए पहले फेसबुक ऑन कर लेते हैं अपना क्रोम ब्राउज़र में। फिर यहाँ पर आपको जाके थ्री डॉट पर टैप करके डेस्कटॉप साइट का रिक्वेस्ट करना है। ये करा मैंने डेस्कटॉप साइट पे रिक्वेस्ट, पर अभी ये डेस्कटॉप साइट पे नहीं हुआ है, तो हम इसके यूआरएल में थोड़ा चेंजिंग करेंगे। हम इसकी यूआरएल में जाके टाइप कर देंगे facebook.com। यहाँ पे सजेशंस भी आ रहे हैं facebook.com पे, इसको हम सेलेक्ट चाहें तो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, अभी ये वेब पेज खुल चुका है। अब यहाँ पे हमें सर्च बार में जाके सर्च करना है, जो भी हमारा आईडी है, आईडी का नाम है प्रोफाइल का, वो सर्च करना है। और अगर साथ में कोई यूनिक कैरेक्टर है जिससे ढूंढने में आसानी होती है, वो भी हमें टाइप कर देना है। जैसे कि उस वाले आईडी पे था रितु रॉय अर्थ के नाम से, तो मैं अर्थ सर्च करूँगा ताकि आसानी से मिल जाए। मैंने अब सर्च कर दिया, अब देखिए सबसे पहले ही वो आईडी आ चुकी है। इस पर मैं टैप करूँगा, अब यहाँ पे हमें जाना है अबाउट में। अबाउट पे मैंने टैप किया, अबाउट पे जाने के बाद हमें फेसबुक की जो यूआरएल है वहाँ पे जाना है, क्योंकि यूआरएल में एक प्रोफाइल आईडी छुपी होती है, वो हमें निकालनी है। तो यहाँ से यूआरएल तो काफ़ी बड़े ही, चाहें तो आप कॉपी करके कहीं और पेस्ट करके आसानी से वहाँ से निकाल सकते हैं, वो आसानी से निकल जाएगा। नहीं तो आप यहाँ पे चाहते हैं तो ये एडिट वाला बटन पेंसिल की तरह है, इस पर टैप करके आप यहीं से कर सकते हैं। ये 17 या 15 डिजिट की होती है प्रोफाइल आईडी कोड, ये हमें निकालनी है। मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इधर से, मैंने इधर से ट्रिम किया इसको थोड़ा, और फिर मैंने पीछे से इसको काटा थोड़ा। हाँ ठीक है, और फिर मैंने इधर से लाया इसको यहाँ पे, फिर मैं कर लूँगा कॉपी। एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको क्या होती है प्रोफाइल कोड, जो दोनों साइड परसेंटेज 3A है, इसके बीच वाले जो कोड हैं वही हमें सेलेक्ट करनी होती है, 1 से लेके ये 40 तक। इतना सेलेक्ट करने के बाद आपको फेसबुक अकाउंट लॉग आउट करना होगा, लॉग आउट करके फिर लॉगिन करना होगा। तो पहले लॉग आउट करेंगे फिर उसके बाद लॉगिन करेंगे, तो मैंने यहाँ से लॉग आउट कर दिया। लॉगआउट का पेज खुल रहा है, फिर यहाँ पे वो लाके आईडी आप ये पेस्ट कर देनी है जो आपने सेलेक्ट किया था। फिर ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है इसका हमें कट कर देना है, और फिर पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है जो आपको पता था है वो आप पासवर्ड डाल दें। नहीं पता है तो आपको तो फॉरगेट पासवर्ड आता ही होगा, वहाँ से आप फॉरगेट पासवर्ड करके आराम से अकाउंट अपना एक्टिवेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर मैं लॉगिन कर दूँगा, देखिए अकाउंट खुल चुकी है। तो ऐसे करके आप बिना ईमेल आईडी के कोई भी आईडी खोल सकते हैं, अगर उसका आपको पासवर्ड पता हो या ना हो आप उसको ऑन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहें। कोई भी आपको दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तब तक के लिए बाय।